मऊ जनपद के ब्लॉक रतनपुरा ग्राम पंचायत नसीराबाद कला में मैंने एक विद्यालय में खाना बना रही रसोइयों को निकाल देने की समस्या पर एक वीडियो बनाया था। गांव में यही समस्या है कि हम लोग का जो पानी नाली का है, कहीं बहने का जगह नहीं है, और जो भी बह रहा था नाली में उसको लोग बांध दिए, कह रहे हैं कि हमारा खेत में सिज रहा है, नुकसान हो रहा है फसल। इसमें हम लोग गए ब्लॉक पे 20-25 लोग, वीडियो को दरखास्त दिए। दरखास्त देने के बाद कहे कि रुकिए, हम लोग का आप लोग का फैसला भी कर देते हैं। वीडियो साहब बोले प्रधान जी क्या समस्या है, फिर प्रधान जाना कार्य करें, लेकिन नहीं सर क्या करें, बनवाना तो चाहते हैं लेकिन बजटे नहीं है। हम लोग को जानते हैं खोखी, बुखार, जुखाम, सर्दी सब कुछ हो रहा है, बच्चे से बीमारी होती है। कब से पानी लगा ये, कब से? अरे एक महीना हो गया, एक महीना से ऊपर हो गया। वीडियो बनाने के बाद समुदाय को एकजुट कर एवं संगठित कर उनके सहयोग से वीडियो पर बदलाव ला पाया। इस बार जो नया प्रधान हुए उसको हम लोग ये जो वीडियो बनाया इसको दिखाए, दिखाने के बाद उस प्रधान ने कहा ठीक है हम बनवाएंगे, लेकिन बनवा भी दिए हैं और थोड़ा मोड़ा बाकी है, जिसको कह रहे हैं कि वो भी जल्द बनवा दिए। नाली बन गया समझ के बहुत ना फायदा बा, नाली बन जाए आदमी का पानी गिरे लगी कि उससे झगड़ा विवाद ना हो। हमन का चाहते हैं कि नारी बन जा, हमन के ये दिक्कत बा पानी बहला का, मैंने आधा से अधिक का काम भइल बा कि कम भइल बा? आधा भइल बा। आधा कितना साल बाद बनल है नारी? नारी बनल हम लगभग अरे कौन साल भर की बात बनबी कर लिया, मतलब संघर्ष भइल ओमे। हाँ तो ओमे लोगन के फायदा बा कुछ? फायदा बटले बाटे। कितना लोगन के फायदा बा कम से कम? फायदा बाटे माने सबके गांव भर के फायदा बाटे। मैं चाहता हूं कि इसी तरह अपने कैमरे के माध्यम से समुदाय को एकजुट कर एवं संगठित कर उनकी समस्या पर वीडियो बनाऊं और उनके सहयोग से वीडियो पर बदलाव लाता रहूं। मैं सतेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश जनपद मऊ से, इंडिया अनहट के लिए।